चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध तेज, टीडीपी ने आज किया आंध्र प्रदेश बंद का आह्वान, सीएम जगनमोहन पर लगाया प्रतिशोध की सियासत का आरोप। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू कोच में किए गए पेश, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के विमान में आई तकनीकी खराबी, भारत में ही उन्हें रोकना पड़ा, रुका हुआ है अभी भी कनाडाई प्रतिनिधिमंडल। पीएम मोदी ने भारत मंडपम का किया दौरा, लोगों का प्रधानमंत्री ने किया अभिवादन। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने कला और शिल्प मंडल का भी दौरा किया, प्रदर्शनी का उन्होंने जायजा लिया। जी न्यूज ने पीएम मोदी को G20 के सफल आयोजन के लिए दी बधाई, पीएम मोदी ने अभिवादन किया स्वीकार। खालिस्तान के मुद्दे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दिलाया भरोसा, खालिस्तान के मुद्दे पर भारत के साथ मिलकर काम करेगा ब्रिटेन। खालिस्तानी मुद्दे पर बोले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, कहा हम हिंसा और नफरत के खिलाफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन पर उठाए गंभीर सवाल, वियतनाम में बोले खेल के नियम बदल रहा है चीन, व्यापार को लेकर नहीं है चीन की ईमानदार नीति। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने BRI को छोड़ने के दिए संकेत, कहा सिल्क रोड छोड़ने से चीन के साथ संबंधों पर नहीं होगा असर। ऋषि सुनक ने चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग से मुलाकात की, ब्रिटेन की जासूसी चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। G20 समिट के सफल आयोजन पर मोदी सरकार के मुरीद हुए शशि थरूर, नई दिल्ली घोषणा पत्र को बताया देश के लिए कूटनीतिक जीत। पेरिस पहुंचे राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी जो करती है उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। इंडिया बनाम भारत पर बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, इंडिया अलायंस सरकार को नहीं आया रास, इसी वजह से देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करना चाहती है सरकार। इंडिया गठबंधन और असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा का इंडिया गठबंधन पर हमला, कहा विपक्ष इंडिया के नाम पर देश को तोड़ने का काम कर रही है। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा का कांग्रेस पर आरोप, कहा भारत का पहला घोटाला गांधी सरनेम के साथ हुआ। यूपी के बहराइच से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना, कहा 2024 में मोदी जी को हराने के लिए एकजुट हो गए हैं सारे घोटालेबाज। जेडीयू एमएलए पंकज मिश्रा का बड़ा दावा, कहा नीतीश कुमार होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा, कहा राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बन सकते हैं गोधरा जैसे हालात। जयपुर में राज्य सरकार के खिलाफ मुस्लिमों का हल्ला बोल, जमकर किनारेबाजी, मुस्लिम महापंचायत में 10% आरक्षण की मांग उठी। महाराष्ट्र के ठाणे में 40 मंजिला इमारत की लिफ्ट गिर गई, हादसे में 7 मजदूरों की मौत, राहत और बचाव कार्य जारी। आज रिजर्व डे में खेला जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच अधूरा मैच, बारिश की वजह से कल नहीं हो पाया पूरा खेल। मोरक्को में विनाशकारी भूकंप से तबाही का दौर जारी, लगातार बढ़ रही मरने वालों की संख्या, 2100 से ज्यादा लोगों की गई जान।